की खबर। शादी से जुड़ी अहम जानकारी लीक होने से नाराज दुल्हन ने सहेलियों का कराया ये टेस्ट। अब आप लोग भी शादी में जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। बता दें कि शादी को लेकर तय किए गए ड्रेस कोड लीक हो जाने से एक दुल्हन का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। दुल्हन ने इसके लिए एक ऐसा कदम उठाया जिससे शादी में शामिल हुए मेहमान भी हैरान हो गए। दरअसल एक दुल्हन ने अपनी शादी के दौरान आने वाले मेहमानों के लिए कपड़ों को लेकर एक प्लानिंग की थी और सबके लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया था। दुल्हन ने वजन के हिसाब से कपड़े पहनने को कहा था। इसके लिए दुल्हन ने करीब 50,000 रुपए खर्च करने की बात कही थी। हालांकि शादी के लिए तय किए गए ड्रेस कोड से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन लीक हो गई। दुल्हन काफी नाराज हो गई और उसने अपनी सखियों का झूठ पकड़ने वाला लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराने का फैसला किया। लाइट डिटेक्टर टेस्ट के दौरान दुल्हन के एक करीबी दोस्त ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट की थी। उसे शादी के दौरान ही घर से बाहर कर दिया गया। यह पूरा मामला हवाई में हुई एक शादी का है। हालांकि बाद में कई लोगों ने दुल्हन की ओर से कराए गए इस लाइट डिटेक्टर टेस्ट पर तंज कसते हुए पूछा कि पॉलीग्राफी पार्टी कैसी रही। दुल्हन ने जवाब दिया, फैंटास्टिक, 100% अटेंडेंट था। मैंने साधारण सवाल पूछे कि क्या तुमने ड्रेस कोड की जानकारी ऑनलाइन शेयर की, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। दुल्हन ने इससे पहले आने वाले मेहमानों से पूछा था कि वे क्या पहनकर आ रहे हैं, इसकी जानकारी 1 महीने पहले भेज दे। दुल्हन ने तय किया था कि जिन महिलाओं का वजन 45 किलो से 72 किलो के बीच है उन्हें ग्रीन वेलवेट जंपर पहनना होगा, वही जो 72 किलो से अधिक की है उन्हें काले कपड़े पहनने होंगे। इसी तरह पुरुषों के लिए भी ड्रेस कोड तय किया गया था। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।